जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी कभी ना कभी इस टॉपिक को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या फिर इसको सुना होगा। दोस्तों वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी न्यूक्लियर रिएक्टर को समझेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, कैसे ये न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज़ करने के नुकसान और फायदे क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले ये जो नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियर है इसको समझना बेहद जरूरी है। और अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो कंप्लीट जो टॉपिक है वो आपको जल्द समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ये जो न्यूक्लियर है इसका आप सीधा सा मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि किसी एटम के इनर पार्ट या फिर उसका जो कोर पार्ट होता है वहां पर हुए रिएक्शन से रिलीज होती क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दुनिया भर के अंदर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं उन सभी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर को न्यूक्लियर पावर प्लांट का हार्ट कहा जाता है, उसका हृदय कहा जाता है। यानी कि बिना न्यूक्लियर रिएक्टर के कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट काम नहीं कर सकता। अब दोस्तों यहां पर बात की जाए कि इसका यूज कैसे किया जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली एक डिवाइस या फिर आप इसको एक मशीन कह सकते हैं, एक मशीन होती है जिसके अंदर फ्यूल के तौर पर यूरेनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम एक एटम है दोस्तों। यहां पर यूरेनियम का यूज करके यूरेनियम के अंदर रिएक्शन किए जाते हैं, वो एक चेन रिएक्शन होता है। इस चेन रिएक्शन के कारण यहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है, जिस हीट का यूज करके पानी को बॉईल किया जाता है, उसको उबाला जाता है और उस पानी को बॉईल करने से जो भाप या जो स्टीम वहां पर क्रिएट होती है उस स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन को यहां पर कह सकते हैं घुमाकर इससे बिजली पैदा की जाती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आसान शब्दों में इसको हम समझें तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि यूरेनियम का यूज करके यहां पर भाप के जरिए टरबाइन को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करती है। अब दोस्तों यहां पर बात करें कि इस कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को ही क्यों यूज किया जाता है, इसके क्या फायदे यहां पर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहां पर इसको यूज करने के लिए जो कह सकते हैं कारण दिए जाते हैं, जो इसके रीजंस दिए जाते हैं, उनमें सबसे पहला रीजन है कि ये जब यूज होता है तो इसमें ना के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो जहरीली गैसें हैं वो निकलती हैं। यानी कि जब आप कोयले से बिजली बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी जहरीली गैसें यहां पर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर फैल जाती हैं जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हैं, हम सभी के लिए हानिकारक हैं। लेकिन इस ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं ये ना के बराबर कह सकते हैं आपकी जो कार्बन जो गैसेस होती हैं उनको रिलीज करते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज करने का ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। यानी कि इसको एक बार इंस्टॉलेशन के बाद यूज करने में ज्यादा खर्च यहां पर नहीं आता है। तो दोस्तों ये मुख्य दो कारण हैं जिनकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक अच्छा विकल्प यहां पर माना जाता है। अब दोस्तों ये तो हुए फायदे, लेकिन हर जो एक डिवाइस होता है कोई भी एक प्रोसेस होता है उसके दो पहलू होते हैं, पहला उसके फायदे और दूसरा उसका नुकसान। अब बात कर लेते हैं नुकसान की। तो दोस्तों यहां पर इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है तो उससे जो वेस्ट क्रिएट होता है यानी कि यूरेनियम के जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जो वेस्ट होता है उसको संभालना, उसको सुरक्षित रखना आज दुनिया भर के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने वाले देश हैं उनके लिए एक चैलेंज बन चुका है। दोस्तों यहां पर अगर किसी भी गलती की वजह से ये जो वेस्ट है ये हवा में किसी भी वजह से आ जाता है नेचुरल एयर में और ये फैल जाता है तो ये कुछ ही घंटों के अंदर लाखों लोगों की जान ले सकता है और उस क्षेत्र में फिर आने वाले हजारों साल तक आपको इसके दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा नुकसान है जिसको एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर का माना जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको यूज क्यों किया जाता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ नॉलेज कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।